हेलो फ्रेंड्स, आशा है कि आपको हमारा पुराना वीडियो पसंद आया होगा। आज मैं आपको एक पपाया का वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, किस तरह आपको रिप्लांट करना है पपाया को। ये हम पपाया आपको करीबन एक महीना पहले लगाए थे, बरसात से पहले, एक से डेढ़ महीना हो रहा है। ये हम सीड से लगाए थे और ये आप देख सकते हैं कितना हेल्दी प्लांट है, बहुत ही हेल्थी प्लांट है। ये देखिए, अब मैं इसे जो जो हेल्दी प्लांट होगा ना उसे मैं ले जाऊंगा और उसे मैं रिप्लांट में ग्राउंड में कर दूंगा। ये हम मार्केट से इसका बीजा नहीं खरीदे थे, ये हमने लगाया था करीबन, ये आपको देखिए, आपको बीजा दिखाता हूँ। हमारे घर में एक पपाया हुआ था पेड़ पे, वो काफ़ी बड़ा था, मैं उसी का बीजा निकाल लिया, फिर उसे धूप में सुखाया कुछ दिन और फिर मैं इसे लगा दिया था और काफ़ी मस्त हुआ है। आपको देख सकते हैं बीजा से, मैं थोड़ा घास हटा देता हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, किस तरह मैं इसे उखाड़ता हूँ। वो एक मिनट, वो मैं जो जो बड़ा बड़ा है ना पौधा, मैं उसे निकाल ले रहा हूँ लगभग, फिर मैं उसे कुछ दिन, जो छोटा पौधा होगा उसे मैं गमले में छोड़ दूंगा। उससे क्या होगा कि उसे स्पेस मिलेगा, फिर वो बड़ा हो जाएगा, फिर मैं उसे ट्रांसप्लांट कर दूंगा। काफ़ी अच्छा हो गया है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैं कुछ पौधा छोड़ देता हूँ। अब हम अपने बगीचे में आ गए हैं। अब देखिए, हम ये क्या किए हैं कि इसे ज़्यादा कोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बरसात का सीज़न है और बरसात का सीज़न में क्या होता है कि पानी ज़्यादा लगना नहीं चाहिए इस पर, वो गल जाएगा फिर इसका जड़ पे। ये देखिए, इसके जड़ पे आपको लगेगा ना, वो गल जाएगा। और बरसात ही का सीज़न जो होता है कि सबसे बेस्ट मौसम होता है, आप उसे लगा सकते हैं। ये देखिए, मैं सिर्फ होल कर रहा हूँ एक छड़ की मदद से, कुछ करना नहीं है आपको। ये अंदर आराम से इसे डाल दीजिए, ज़्यादा हिलाइएगा नहीं, पुल कर दीजिए, ये नीचे चला जाएगा। देखिए, मैं दो उंगली से, और कुछ करना नहीं है, देखिए बहुत ही आसान तरीका से, ज़्यादा मेहनत काम नहीं है। आप इसे कोड़िएगा इस तरह, फिर उसे लगाइएगा, उसमें समय भी जाएगा और प्लस आपको गलने का ज़्यादा चांस रहेगा, क्योंकि वो तो कोड़ दीजिएगा तो फिर पानी जमा हो जाएगा। और मैं इसके बगल में एक और लगा रहा हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि क्या होता है कि पपीता में मेल और फीमेल होता है, ये आपको मालूम नहीं कि कौन मेल है कौन फीमेल है। मैं तीन करके लगा रहा हूँ, जैसे इसमें तीन का रेशियो रखेंगे तो ठीक रहेगा पौधा। देखिए, ज़्यादा कुछ किया नहीं हमने। अब देखिए, इसके जड़ देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया से हो गया है। अब मैं दूसरे जगह गड्ढा करता हूँ, एक मिनट, दूसरे जगह लगा लेता हूँ। मैं जगह देख रहा हूँ, यहाँ जगह बेस्ट है। हाँ, मैं क्या बता रहा था आपको कि पपीता में मेल फीमेल होता है। आप तीन पौधा एक साथ लगा रहे हैं ना, उसमें से आपको एक फीमेल भी होता है ना, तो दो मेल भी निकल जाएगा, तो आप उसे काट के फेंक सकते हो, या आप उसे रख भी दोगे ना तो साथ में हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि मेल फीमेल भी, आपको मेल वाला पौधा पपीता देने लगता है। मैं आपको कुछ देर में आपको मेल और फीमेल का पपीता भी जस्ट दिखाता हूँ। मेरा घर पे है वो पौधा, दिया हुआ है, बड़ा हो गया है करीबन, उस पर फूल भी आ रहा है, वो मेल है परंतु उस पर पपीता लगता है कि कम पपीता लगता है कि लगता है, मैं आपको दिखाता हूँ तो कुछ देर में। ये देखिए, मैं ज़्यादा इस कोई मेहनत नहीं कर रहा हूँ, ये छड़ को लिया, बस इसे सीधा लिया, इसे डाल दिया, ये अंदर फूल हो गया,
बस इसे दो उंगली से दबा दिया, बस बस कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए इसे दूर से कितना मस्त हुआ है। तीन पौधा में से तीन या दो का रेशियो हमेशा रखना चाहिए, एक पौधा नहीं रखना चाहिए। या आसपास में आप एक का रेशियो रख रहे हैं तो आप एक यहाँ दे दीजिए, एक यहाँ कुछ बगल में आप दे दीजिए, उस तरह करिए, वो बेटर रहेगा। चलिए और कुछ पौधा मैं आपको दिखाता हूँ। बरसात का सीजन में कोई दिक्कत का बात नहीं है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, पानी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे पपीता में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ता नहीं है। ये जो आप पपीता सब देख रहे हैं ना, ये सब सीड से हमने घर में उगाया है, हमने मार्केट से नहीं खरीदा है। बस हो गया, यहाँ पे दो ही देता हूँ। मैं आपको वो मेल फीमेल के बारे बता रहा था ना पपीता का, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो एक फूल है ना, ये फीमेल है। ये देखिए फीमेल पौधा, और आपको दिखाता हूँ मेल पौधा। ये देखिए मेल पौधा, गुच्छों में आपका फूल होगा, आप देख सकते हैं, ये सब गुच्छा में फूल है। आखिर इसमें क्या हो रहा है ना, ये मेल होने के बाद भी पपीता दे रहा है। इस पर आप देखिए, वो फिर पपीता, काफ़ी अच्छा पपीता होता है इसमें। क्यों? क्योंकि मैं इसके साथ में फीमेल को लगाया था। ये पौधा नहीं देता तो मैं इसे काट देता, आखिर ये आपको फल दे रहा है इसलिए मैंने नहीं काटा। और ये सब जो आप गाँच देख रहे हैं ना हमारा, ये पौधा पपीता का, ये ऑटोमेटिक हो गया, वो सीड गिर के ये अपने आप हो गया, इसे हमने उगाया नहीं है इसलिए इसे पता नहीं ये किस तरह का फल होगा। आखिर मैं काट नहीं रहा हूँ, छोड़ दिया हूँ इसे। इसे देखिए नज़दीक से, पौधा में है। एक मिनट, आपको पता नहीं चल रहा होगा, एक मिनट मैं इसे दिखाता हूँ। ये देखिए गुच्छा में फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है, मेल प्लांट है। कुछ पौधा और लगा लेता हूँ जो बच गया है, यहाँ पे लगा लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक ही पौधा देता हूँ क्योंकि आसपास में काफ़ी पौधा है। और ये बड़ा प्लांट है, बड़ा पपाया का। मैं आपको बड़ा पपाया भी मैं अभी दिखाता हूँ वीडियो में, जो हमारा पुराना पपाया है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा फल लगा हुआ है, ये पुराना गाछ है हमारा, काफ़ी दिन हो गया इसका। आखिर अभी जो हमने पौधा लगाया है ना, वो इससे भी काफ़ी हाइब्रिड वैरायटी का है, क्योंकि इससे बड़ा उस पर पपीता हुआ था, वो काफ़ी बड़ा था। मैं उसका जो बीजा लगाया हूँ,
देखिए एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ पपीता में, ये मेरा काफ़ी ऊपर चला गया था बहुत हाइट पे, तो हमने क्या किया यहाँ पे कट कर दिया, तो यहाँ पे ये हाइट भी कम हो गया और प्लस ये आपको तीन यहाँ पे निकल गया, तीन डाल, और तीन डाल में तीन पपीता आप देख सकते हैं, तीन गुच्छे में, एक ये हो गया, ये और ये। मुझे लगता है कि आपको वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेशन लगा होगा, काफ़ी पसंद आया होगा, तो ज़रूर से सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, तो आगे मैं वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।